नमस्कार, मैं हूँ गार्गी चक्रवर्ती। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ यूपी। अक्सर देखा गया है कि प्यार में धोखा पाने वाले लोग या तो अकेले रह जाते हैं या गुमसुम से रह जाते हैं। वही हुआ राखी गुलजार के साथ। प्यार में बेवफाई झेलनी पड़ी। आपको पता है राखी का पूरा नाम क्या था जब वो छोटी थी? नहीं ना, कोई बात नहीं, उनका पूरा नाम था राखी मौजूमदार। उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, पर उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। जहां उनकी खूबसूरती को देखकर यश चोपड़ा ने 1976 की ब्लॉकबस्टर फिल्म कभी कभी लिखी थी, वहीं उनके असल जिंदगी में उनका प्यार अधूरा रह गया। मेरे करण अर्जुन आएंगे इस डायलॉग को सुनकर आज भी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आपको बता दें, 70s और 80s में राखी सबसे मशहूर एक्ट्रेसेस में आती थी। एक्ट्रेस की खूबसूरती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि यश चोपड़ा ने उन्हें ही देखकर कभी कभी फिल्म लिखी थी, जो कि 1976 में ब्लॉकबस्टर बनी थी। साथ ही मशहूर लिरिसिस्ट साहिर लुधियानवी ने कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है गाना भी उनको जहन में रखकर ही लिखी थी। यहाँ तक कि सुनील दत्त खुद जो सुपरस्टार थे, वो भी राखी के एक्टिंग के ऐसे दीवाने थे कि जब जब उन्हें राखी की एक्टिंग देखने का अवसर मिला, उनकी आंखें नम ही रही। राखी ने अपने लंबे फिल्मी करियर में करीब 100 फिल्मों में काम किया, जिसके लिए राखी को 2 नेशनल अवार्ड, 3 फिल्मफेयर और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। वो कहते हैं ना, भगवान जब एक दरवाज़ा बंद करते हैं तो दूसरा खोलते हैं, तो वही हुआ राखी के साथ। उनकी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव रहे। कभी कम उम्र में शादी टूटने का गम, तो दूसरी शादी में पति गुलजार की बेवफाई का दर्द। पर राखी ने कभी हार नहीं मानी। राखी का कहना है कि वो अपनी मर्जी और स्वाभिमान की पक्की है, चाहे फाइनेंशियल तंगी हो, रिश्ते टूटे, लेकिन कभी वो काम नहीं करूँगी जो पसंद नहीं है। और राखी अब 77 साल की हो चुकी हैं और वो अपने उसी बात पर कायम है। उम्र के इस पड़ाव में उन्होंने शहर और चकाचौंध से दूर वादियों के बीच अकेले अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला किया। राखी का कहना है कि अब पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो अपने काम खुद करती हैं और जानवरों के साथ अच्छी ज़िंदगी जी रही है। वैसे आपको बता दें, राखी अपने पनवेल के फार्म हाउस में कई कुत्ते, गाय, सांप और चिड़िया के साथ रहती है, जिनका वो खुद ख्याल रखती हैं। बचपन में ये अपने फैमिली के साथ रानाघाट में रहती थी, जहां इनके पापा का जमा जमाया व्यापार था, लेकिन बंटवारे के बाद उनका परिवार वेस्ट बंगाल आकर बस गया। दुख और सुख दोनों ही बिन बुलाए मेहमान होते हैं। राखी महज 17 साल की थी तभी उनके पापा ने उनकी शादी एक बंगाली पत्रकार और फिल्म डायरेक्टर अजय विश्वास से करवा दी। पर शादी के कुछ सालों के बाद ही राखी के लिए पति के साथ तालमेल बिठा पाना मुश्किल हो रहा था। यही वजह थी कि सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने पति को छोड़कर अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीने का फैसला कर लिया। राखी बचपन से ही काफ़ी खूबसूरत थी, तो एक्ट्रेस को कई फिल्मों के ऑफर मिले थे। ऐसे में जब तलाक हुआ, उसके बाद जब जिम्मेदारियां सिर पर आई, तो उन्होंने फिल्मों में आने का फैसला कर लिया। तब जाकर 20 साल की उम्र में उन्होंने पहली बंगाली फिल्म बोधु बोरोन साइन की, जो 1967 में रिलीज हुई थी। इसके बाद ही बंगाली सिनेमा में उनकी खासा पहचान बन गई, जिसके बाद उन्हें अगली फिल्म मिली बाघिनी। एक्ट्रेस के एक्टिंग में वो बात थी कि रीजनल सिनेमा की फिल्म करके भी उन्होंने राष्ट्रीय प्रोडक्शन के फाउंडर ताराचंद बरजातिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। इसके बाद ताराचंद ने उन्हें हिंदी फिल्म जीवन मृत्यु में कास्ट किया, जिसमें उनके ऑपोजिट हीरो थे धर्मेंद्र। ये फिल्म 1970 में रिलीज हुई, जो कि मील का पत्थर साबित हुई। इसके बाद राखी के पास सुबोध मुखर्जी की फिल्म शर्मिली, सुनील दत्त की रेशमा और शेरा जैसी कई बड़ी बड़ी फिल्में थीं। जैसे कि हमने आपको पहले कहा था कि उनको किसी चीज़ की परवाह नहीं थी, जो उनको अच्छा लगता वो वही करती। तो ऐसे में जब उन्हें करियर के शुरुआत में विधवा का रोल निभाने को मिला, तब कई लोगों ने उनसे कहा था कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे उनके करियर पर बुरा असर पड़ेगा। पर राखी तो राखी थी, किसी की एक ना सुनी, और उन्हें एक्सपेरिमेंट करने का भी बड़ा शौक था। फिर चाहे वो विधवा का रोल हो या अपनी उम्र से बड़े हीरो अमिताभ की माँ का रोल करना हो। इसी बीच मशहूर लिरिसिस्ट गुलजार साहब और राखी के बीच नज़दीकियाँ बढ़ने लगी।
राखी के खूबसूरती से वो मोहित हो गए। उम्र में 11 साल बड़े होने के बावजूद गुलजार साहब ने एक रोज राखी को शादी के लिए पूछा और फिर राखी ने हामी भर दी। उस दौरान भी कई लोगों ने उन्हें शादी नहीं करने की सलाह दी, पर उन्होंने किसी की नहीं सुनी। पर कहा जाता है कि गुलजार साहब ने राखी से शादी करने की एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि शादी के बाद वो फिल्मों में काम नहीं करेंगी। फिर धीरे धीरे शादी के बाद फिल्मों से दूर होने का फैसला राखी को खलने लगा। चकाचौंध और चाहने वालों की भीड़ से घिरी रहने वाली राखी के लिए घर में समय निकालना मुश्किल होने लगा। उन्होंने कई बार गुलजार साहब से कहा कि वो उनके साथ कोई फिल्म बनाए, लेकिन हर बार बात टाल दी गई। उसी बीच मशहूर फिल्म मेकर यश चोपड़ा ने राखी की खूबसूरती को ध्यान में रखकर जो फिल्म कभी कभी लिखी थी, उसके लिए उनको तलाश थी कि वो उस फिल्म में काम करें। हालांकि तब तक वो इंडस्ट्री छोड़ चुकी थी। यश चोपड़ा उनकी जगह किसी और को नहीं लेना चाहते थे। ऐसे में उन्होंने राखी से मुलाकात कर उन्हें ही फिल्म ऑफर की। राखी तो मन से फिल्म करना चाहती थी, पर पति के कसम ने उन्हें रोक कर रखा था। पर तभी राखी को पता चला कि जो इस फिल्म में गाना है वो भी उनको जहन में रख कर ही लिखी गई है, तो वो अपने आप को रोक नहीं पाई और उन्होंने हामी भर दी। लेकिन उससे पहले वो अपने पति से परमिशन लेना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने ये शर्त रखी थी कि शादी के बाद वो घर परिवार देखेंगी, फिल्म नहीं करेंगी। तो उस समय गुलजार साहब अपने डायरेक्शन और लेखन की फिल्म आंधी की शूटिंग कश्मीर में कर रहे थे। राखी वहीं चली गई। राखी से रुका नहीं गया क्योंकि उन्हें वो फिल्म करनी थी। वहां जाकर राखी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। दरअसल आंधी फिल्म की लीड एक्ट्रेस सुचित्रा सेन के साथ गुलजार काफी घुले मिले हुए दिखे। राखी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई। फिर जब गुलजार साहब शूटिंग से होकर पहुंचे तो राखी उन्हें छोड़ने का मन बना चुकी थी। उन्होंने बेटी मेघना के साथ पति का घर छोड़ दिया और फिर फिल्म कभी कभी का ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। फिर कभी कभी फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई। राखी और अमिताभ को लोगों ने साथ में बहुत पसंद किया। फिर दोनों ने साथ में कस्मे वादे, त्रिशूल, काला पत्थर जैसी कई बड़ी फिल्में की। पर अब 4 दशकों तक हिंदी सिनेमा में अपना योगदान देने के बाद राखी चकाचौंध से काफ़ी दूर है। वो कोलेस्ट्रोफोबिक है, ऐसे में उन्हें भीड़ या शोर में रहना पसंद नहीं है, जिसके चलते वो पनवेल के अपने फार्म हाउस में ज़िंदगी गुजार रही है, जहाँ इनके साथ 9 कुत्ते, 32 गाय, कई तरह की चिड़िया और सांप पाले हैं इन्होंने। साथ ही कई तरह की सब्जियाँ भी उगाती हैं राखी, जिनका ख्याल वो खुद रखती हैं। उन्हें नहलाने धुलाने से लेकर खाना खिलाने तक सारी जिम्मेदारियां खुद ही राखी उठाती हैं और लोगों से कम ही वास्ता रखती हैं। इनकी कहानी को जानकर ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने दम पर जीने वाले लोग जिंदगी जीने का तरीका बखूबी जानते हैं और जीना इसी का नाम है। कैसी लगी आपको ये स्टोरी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।